हेलो एंड वेलकम गाइज, आर यू एच एस एम के चल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, जो स्टूडेंट राजस्थान में बी एस नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं या फिर जे एन एम नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं या फिर एन एम नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं, यहाँ तक कि पैरामेडिकल के कोर्सेज करना चाहते हैं या फिर फार्मेसी के कोर्सेज करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि इन कोर्सेज के ऊपर यहाँ पर फुल डिटेल चर्चा होने वाली है। ठीक है, सो जितने भी आपकी इंक्वायरीज है, जितने भी आपके डाउट है, जितने भी आपके सवाल है, इस वीडियो में सोल्व हो जाएंगे आर यू एच एस से रिलेटेड, यानी कि राजस्थान में नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि आप सभी के कमेंट देखे जाएंगे इस वीडियो में और सभी के कुछ ना कुछ डाउट अवश्य होंगे, तो उनका सोल्व आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। जैसे फॉरम से रिलेटेड हो, एडमिशन से रिलेटेड हो, तैयारी से रिलेटेड हो, बुक से रिलेटेड हो, पी से रिलेटेड हो, काफ़ी सारे डाउट होते हैं। तो चलिए देख लेते कि आपके क्या क्या डाउट है, क्या क्या इंक्वायरीज है। सो गाइज, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, आपके कमेंट यहाँ पर ओपन कर लिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कमेंट है चेतराम कुमाउत, पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चाहिए। बिल्कुल मिलेंगे आपको पैरामेडिकल के, क्या आपको नर्सिंग के भी मिलेंगे, फार्मेसी के भी मिलेंगे, सब के मिलेंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर वीडियो बना देंगे। पैरामेडिकल के जो पिछले साल के पेपर है सारे हमारे पास रखे हुए हैं संभल के। ठीक है, 5, 6 सालों के, 8 सालों के पेपर हमारे पास है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, तो इस चैनल पर हम आपको बता देंगे। क्योंकि चैनल सभी ने सब्सक्राइब किया हुआ है, बेल आइकन पर प्रेस किया हुआ है, तो सभी को मिल जाएगा, चाहे वो नर्सिंग का हो, पैरामेडिकल का हो, फार्मेसी का हो। पुष्पेंद्र कुमार, सर गुड इवनिंग, सर ये एग्ज़ाम किस लैंग्वेज में होता है, इंग्लिश में या हिंदी में? देखो, नर्सिंग का जो बी एस नर्सिंग का जो एग्ज़ाम है वो आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है। ठीक है, अब बात करें जैसे कि पैरामेडिकल की, तो वो तो इंग्लिश में ही होता है, फार्मेसी का है वो भी इंग्लिश में ही होता है, बीपीटी का भी इंग्लिश में ही होता है, बाकी नर्सिंग का हिंदी और इंग्लिश में होता है। ठीक है पुष्पेंद्र जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला राहुल, सर जी बी एस नर्सिंग में कौन सी क्लास से क्वेश्चन आते हैं, ओनली 12th या 11th? देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इनका भी, जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसमें आपके क्वेश्चन 11th से भी आएंगे, 20% आप मान सकते हो, 12th से आएंगे 80%। ठीक है, तो यानी कि 12th का मटेरियल आपको ज़्यादा पढ़ना होगा, और जो आपने 11th और 12th में जो बुक आपने पढ़ी है बस उसी से ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो हमने आपके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की तैयारी के लिए जेके लोन जॉब चैनल भी अवेलेबल करवा रखा है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। रावत जी का कमेंट है, सर आप प्रीवियस ईयर के बी एस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर की प्लेलिस्ट बना दीजिए। ओके, बना देंगे, ताकि आपको सुविधा रहे, बहुत अच्छा सवाल है इनका भी, तो प्लेलिस्ट हम बना देंगे। देवेंद्र प्रजापत, हेलो सर, आर यू एच एस आर पी एम सी पैरामेडिकल के कितने डिफरेंट है, एक वीडियो बना दीजिए। ओके, बना देंगे, तो वो सब मिलेगा हमारे चैनल पर आपको, राजस्थान से नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी बी पी टी की ए टू जेड जानकारी। ठीक है, अगला कमेंट है, काफ़ी सारे कमेंट है आपके भी, 2021-22 के लिए पोस्ट बी एस नर्सिंग का फॉरम कब आएगा? जी बिल्कुल, जब आपके नर्सिंग के बी एस नर्सिंग के फॉरम आएंगे, जब आपके पैरामेडिकल के आएंगे, फार्मेसी के आएंगे, उसी टाइम पे पोस्ट बी एस नर्सिंग के भी आएंगे, सारे फॉरम एक ही साथ रिलीज हो जाएंगे। ठीक है ना, और वीडियो हम बनाएंगे उस टाइम पे, जैसे फॉरम का लिंक एक्टिव हो जाएगा वीडियो बनाएंगे। करण कोहली, सर अगर जे एन एम के लिए भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है क्या? बिल्कुल नहीं, एन एम और जे एन एम के लिए कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है, आपका सिलेक्शन इसमें ओनली सिर्फ और सिर्फ 12th की परसेंटेज के हिसाब से होता है, जिसके 12th में अच्छे परसेंट है उसको इसमें सिलेक्शन दिया जाता है जे एन एम एन एम कोर्स में, बाकी आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है इनका भी। मानसी पवार, वेन विल बी द बी एस नर्सिंग फॉर्म कम? यस, अगला कमेंट, काफ़ी सारे कमेंट आपके, और सभी का अच्छे से एक्सप्लेन करके रिप्लाई दिया जाएगा। सुभाष सैनी, और दूसरे जो स्टूडेंट हैं उनको भी नॉलेज मिलेगी आपके इन कमेंटों से, बहुत अच्छे है। ठीक है सर, पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर पर वीडियो बनाइए। ओके, पैरामेडिकल के ऊपर वीडियो हम बना देंगे। अनिल बेरवा, राजस्थान के स्टूडेंट दूसरे स्टेट से नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं, बट वो जैसे होता है ना, का ऑल इंडिया के अप्लाई कर सकते हो, उसी में आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि बीएचयू में आप कर सकते हो, एम्स में आप कर सकते हो, जिपर में आप कर सकते हो, यहाँ तक कि और भी बताए थे हमने आपको फॉरम एम के चैनल पे यूनिवर्सिटी, वहाँ पर आप कर सकते हो।
देवेंद्र प्रजापत आर यू एच एस आर ओके इनका सेम वही पहले वाला कमेंट है, हम आपको बना के दे देंगे। ऑनलाइन विथ सर राजस्थान में फॉर्म कब आएंगे? राजस्थान में आएंगे फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, ठीक है, तो आपको वेट करना होगा अक्टूबर तक। डी फार्मी के प्रीवियस क्वेश्चन चाहिए, मिलेंगे, सब मिलेंगे हमारे चैनल पर आपको। दिलीप कुमार बी एस नर्सिंग का रिजल्ट कब आएगा? बी एस नर्सिंग का जो रिजल्ट है अभी तो आपकी जो कॉपीज़ है अभी प्रजेंट टाइम पे, ठीक है, प्रजेंट टाइम पे आपकी कॉपीज़ क्या है कॉलेज में ही है, 15 दिन लगेंगे आने में, ठीक है। अभी 12वीं पास की बायो से ही DMLT में एडमिशन लेना है, कब आएंगे? 12वीं पास की बायो से ही बिल्कुल इसके फॉर्म आपको भरने पड़ेंगे, अगर आपको DMLT BMLT में एडमिशन लेना है तो इसके फॉर्म जब भी आएंगे हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, अक्टूबर में आने वाले वैसे तो। अभी और भी काफ़ी सारे कमेंट है, सो नेक्स्ट कमेंट है संगीता सिंह, थैंक यू सर, थैंक यू संगीता जी। साहिल खान सर फिर हमारे एग्ज़ाम कौन सी डेट को होंगे? देखो फॉर्म आपके अक्टूबर में भरेंगे ना तो आपके एग्ज़ाम नवंबर में होंगे, फिर नवंबर में, ठीक है। करण कोहली सर JNM के कब तक आएंगे? JNM के भी उसी टाइम पे आएंगे जैसे आपके BS नर्सिंग के आएंगे, उससे एक वीक बाद आ जाएंगे, ठीक है। तो एक्टिव रहना गाइस, सभी चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लो आप, तो बाकी हर एक स्टेप बाय स्टेप जानकारी हम आपको देते रहेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगला कमेंट है अनिल सर BS नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज कितनी है? ओके बहुत अच्छा क्वेश्चन, गवर्नमेंट कॉलेज है आपके देखो 9 कॉलेज है, ठीक है, और उसके ऊपर पक्का वीडियो आएगा, कितनी सीट है वो सब इसके ऊपर भी वीडियो आएगा, 750 सीटें समथिंग है, और कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी है उसके ऊपर भी वीडियो आएगा। चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, बेल आइकन पर प्रेस किया हुआ है, तो आपको चिंता की बिल्कुल भी चिंता आपको नहीं करनी है। पीयूष ये अरिहंत वाली बुक पढ़ने से, देखो बुक देखो आपकी 11th और 12th से आएंगे क्वेश्चन, अगर आप NCERT RBC पढ़ते हो तब भी ठीक है, बाकी बुक आप कोई से भी परचेज कर सकते हो, बट अरिहंत वाली बेस्ट रहती है, उसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और गाइज टेलीग्राम को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम को फॉलो करना ज़रूरी है। सो गाइज टेलीग्राम चैनल का नाम है DRMK Bro, ठीक है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। नेक्स्ट संजय कुमार प्लेलिस्ट बना दो सर। ओके बना देंगे प्लेलिस्ट। कब डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की कैसे चेक करें? कब डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की? आपकी डेट है ना अक्टूबर में है, ठीक है, और रिप्लाई क्यों नहीं देते संगीता जी का? देखो रिप्लाई आपको वीडियो के थ्रू ही मिलेगा, किसके थ्रू? वीडियो के थ्रू सारे रिप्लाई A to Z रिप्लाई। सो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सारे रिप्लाई हम इसी प्रकार वीडियो बना के देंगे।